गाइस, क्या हाल चाल है अभी सभी आपके? अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर और जा रहा हूँ अभी पटना, और आपको दिखाता हूँ अंदर कैसे कैसे आप बोर्डिंग बोर्डिंग वगैरह करते हैं और कैसे कैसे एंट्री होती है। ये वीडियो सिर्फ ब्लॉग ही नहीं है आज की, वो उसके लिए भी है जो पहली बार फ्लाइट से जा रहा है, वो भी मेरी वीडियो को देख सकता है, जिससे आसानी से वो आराम से जा सकता है कहीं भी फ्लाइट से। तो ये एयरपोर्ट के बाहर ही यहाँ पे बोर्डिंग के लिए लगा हुआ है मशीन। यहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ बोर्डिंग पास कैसे निकलता है। देखिए गैस, मैं अपना बोर्डिंग पास निकाल रहा हूँ। ये देखिए बोर्डिंग कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मेरा PNR नंबर है NGMYVA। अब ये देखिए सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अपना आ गया। ये देखिए यहाँ पर सभी के नाम दिए हुए हैं और मेरा नाम मिस्टर मार्शल प्रकाश है, 18F सीट नंबर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मैं अपना प्रिंट ले लूँगा यहाँ से। तो मेरे को मेरा आई एग्री इन सब चीज़ों के लिए। देखो ये है एंट्री गेट 3A और यहाँ से देखिए ये एंट्री होते हैं। यहाँ से एंट्री हो चुकी है और देखिए जैसे सामने आएंगे वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी रहेगी जिसमें आपकी फ़्लाइट वगैरह सब कुछ डिटेल्स आती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ़्लाइट की डिटेल है, फ़्लाइट कब कब आएगी उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर शो की जाती है। देखिए एयरपोर्ट, ये दिल्ली का एयरपोर्ट। लगेज जमा कराने जा रहे हैं, मेरे पास सिर्फ एक बैग ही है, वो मैं यहाँ पे जमा कराने जा रहा हूँ। आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जमा होता है यहाँ पे बैग वगैरह। लाइन लग रहा है लगेज जमा करवाने के वाले, और ये देखिए इधर लगेज जमा हो रहा है, वो देखिए जैसे ऐसे इस तरह करके जमा होता है। ये देखिए भैया आपको कैसे जमा कर रहे हैं, इस तरह हम भी अपना कराएंगे और दिखाते हैं पूरा लगेज जमा। यहाँ पर सर जमा कर रहे हैं हमारा लगेज, और ये देखो लगेज जाता है ऐसे, यहाँ पर लगेज जमा हो रहा है हमारा, सब मिल गया है फिजिकली ये रखा। और अब जा रहे हैं हम, अभी यहाँ पे 6:25 पे बोर्डिंग करनी है हमें यहाँ पे। तो बोर्डिंग करेंगे तो आपको दिखाते हैं, आपको मैं बोर्डिंग पास दिखाता हूँ अपना बोर्डिंग पास। ये मैंने बेल्ट और चश्मा डाल दिया है यहाँ पे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सारे के सारे यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक में जमा होगा। बोर्डिंग करने 6:25 तक का टाइम है, तो बोर्डिंग करने जा रहे हैं और हमारे गेट नंबर 54 है, तो हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं, फिर आपको बोर्डिंग करके दिखाते हैं। एयरपोर्ट की शॉप्स, ये देखिए चल चल के हो रहे हैं पैर में दर्द, इसने लिया हमने ये वाली लिफ्ट जो सीधा हमें अपने गेट तक पहुंचाएगी। ये लिफ्ट अपने आप ही लेके जाइए हमें। बोर्डिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर, और प्लेन के अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। फ्लाइट में एंट्री हो रही है, फ्लाइट में एंट्री हो चुकी है और ये मेरी सीट 18F। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी बाहर का नज़ारा, क्योंकि यहाँ की बंद है, मैं अभी दिखाता हूँ। फ्लाइट में देखिए यहाँ रखा है मैनुअल, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यहाँ पे, ये बुक्स रखी हुई हैं जिस प्रकार की बुक है खाने वाने के लिए। लेकिन हमारी फ़्लाइट इतनी लंबी है नहीं, 1 से 1.25 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ पे ये देखिए खाने या लैपटॉप वगैरह के लिए यहाँ पे चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, शीशा गंदा है, शीशा बहुत गंदा है। आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठे रहें, मास्क को अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहनें और फिर किसी की सहायता करें। इस विमान में 6 द्वार हैं, 2 विमान के पिछले भाग में, 2 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर हैं। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे। फ्लाइट डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है और कुछ ही देर में उड़ने वाली है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाला है कान में दर्द, क्योंकि जब प्लेन उड़ता है ना तो होता है कान में दर्द बहुत ज़्यादा। अब 10 मिनट में ये प्लेन हवा में होगा।
पटना में अब से, और अभी बादलों में है तो कुछ दिखेगा नहीं, और वैसे भी रात का वक्त है। थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है, पटना पहुंचने वाले हम लोग 10 मिनट में। ये रहा भाई पटना एयरपोर्ट, ये भाई प्लेन लगा, और ये देखो सभी निकल रहे हैं। प्लेन को बोल दिया बाय बाय, और हम जा रहे हैं, देखते हैं रूम वगैरह होटल वगैरह या किसी के यहाँ रुकते हैं। उसके बाद अब बात होगी आपसे बाहर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हमारा लगेज आने वाला है, और लगेज कुछ ऐसे आता है, देखिए कब तक आएगा। तो गाइस ये आ गया हमारा बैग, वो आ रहा है, ये आ गया। दो चार चीज़ें हैं जो पहले मैंने इंडिगो फ्लाइट ली थी, दो बार इंडिगो ले चुका हूँ मैं, और तीसरी बार जो मैं ले रखा हूँ ये वाली स्पाइसजेट फ्लाइट थी। लेकिन दो तीन चीज़ें मेरे को इसकी अच्छी भी लगी बेकार भी लगी, वो आपको बताता हूँ मैं। तो भाई एयरपोर्ट के बाहर आते ही बाइक टैक्सी बहुत पूछने लग गए, बड़ा परेशान कर दिया यार इन्होंने। तो पटना एयरपोर्ट से आने के बाद मैं आ गया हूँ अपने किसी रिलेटिव के घर में, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और हाँ, जब मैं एयरपोर्ट पर था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी वहाँ पर कि स्पाइस जेट के फ्लाई में और इंडिगो के फ्लाइट में होता क्या क्या था। तो हुआ कुछ ऐसा था ना कि इसमें इंडिगो की फ़्लाइट में खाने वगैरह के लिए और जो भी चीज़ें होती है ना वो सही नहीं थी, और इसमें स्पाइस जेट में एक बार बटन दबाओ भाई दौड़े दौड़े चले आते थे एयर होस्टेस मानो तुरंत, और जो बोलो खाने के लिए पीने के लिए पानी कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें मिला करती थी वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो स्पाइस जेट मेरे को इंडिगो फ्लाइट से बढ़िया लगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।